आप लोगों का ये प्रेम भरा स्वागत देख के दिल भर आता है। दिल्ली वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है। प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं इसकी पूरी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है, और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है। लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार है, परमात्मा का प्यार है। ये प्यार की शक्ति है। शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी तरह का भी आतताई एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सबदूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है? सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो सर्वोत्तम चीज़ है, वो धीरे धीरे फैलती, और जो गंदी चीज़ें हैं वो इतने जल्दी क्यों फैल जाती? इसकी वजह ये है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है। ऐसे भी श्री कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अधोगति पर जाती। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है, तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है? ऊर्ध्व गति की ओर जाने का क्या मार्ग है? आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, पर अगर आप ऊर्ध्व गति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं तो इस बंदर कुदी में आप कहाँ पहुँच पाइएगा? जैसे
स्कूल में पढ़ा जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया, फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया, फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसी हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है? आज बनाया कल तोड़ा, क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज़्यादा हो जाता है। और इसीलिए बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना पड़ता है। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे सुंदर ऊर्ध्वगति दान करें, और उसने प्रदान किया भी है, लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार का। अब प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए? प्यार का मतलब ये होता है कि जहां आप कोई सा भी कार्य करते हैं, वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साध्य होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते हैं। यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूँ, ऐसे करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार माने मैं करता हूँ। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज़ को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज़ बना दें तो हम क्या करते हैं? समझ लीजिए, अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज़ कर ली? कुछ भी नहीं किया, एक मरी से दूसरी बना ली। और मरी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सोएं तो ज़मीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठाते फिरिए दुनिया भर में। अब हमारी क्योंकि जड़ता से ही प्रगति हुई है, जड़ की ओर आकर्षण एक तरह से बना हुआ है, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है। क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम स्वयं को प्यार करते हैं? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो कितनी बातें उसमें आ जाती हैं कि क्या हम कोई सा भी कार्य करते वक्त अपना अपमान या उपमर्द तो नहीं करते, माने चिढ़ जाना, बिगड़ जाना, नाराज़ हो जाना, जिसके लिए फिर हम दुखी भी हों तो भी जिस वक्त हुआ सो तो उतर गई आपकी इज्जत। दूसरी बात, अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है, आप लोग सब संत हो गए। थोड़े अतकच्चे भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए, अतकच्चे तो सही पर हो तो गए आप संत। आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि है। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था, नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उचक्के ही हैं, चोर हैं, चलो इन पे तो ऐसे ही हैं, घुमा करते हैं ऐसे 2500 गलियों में, ऐसे बहुत से देखे गए। लेकिन आप संत तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि
माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत पे नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता है, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अब अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौले कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने जमीनें खरीद ली, मकानें बना लिए, बाल बच्चे हमारे पढ़ गए, सब कुछ हो गया, अब हमने अपने लिए क्या किया? स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटे। अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोच लेना चाहिए। हमें क्या पाने का? हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है, उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है? अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं, तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। घर समझ लीजिए, एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज़ हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नज़र नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना आए कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूँ, उससे अलग चीज़ है, तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ज़रूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहयोग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या प्यार करें? लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं,
वो भी आप जानते हैं, माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करें, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। जरा दरवाजा बंद कर लीजिए आवाज। अब जो अपने से प्यार करता है वो सब चीज से देखता है कि ये शरीर जो परमात्मा का है, जो उसका मंदिर है, उसे किस तरह से सुंदर स्वच्छ रखा जाए। इस मामले में भी बड़ी गलत धारणाएं संसार में हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न जमाने में बहुत सी बातें निकल आई कि साहब हर एक आदमी को दुबला होना चाहिए, अब उसके लिए चाहे आपको टीबी हो जाए तो भी आप दुबले हो जाए, आप मच्छरों जैसे जब तक नहीं होइएगा तब तक आप खूबसूरत नहीं होते, और ऐसी खूबसूरती लेके करने का क्या है। जिस शरीर का आकर्षण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा शरीर बिल्कुल व्यर्थ। शरीर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंग प्रत्यंग से चैतन्य बहे। जिस शरीर का अंग प्रत्यंग जितना भी बना हुआ है वो ऐसा हो कि जिससे सबका शुभ हो, ऐसा वो शरीर हो कि जो जहां एक बार छू जाए वो चीज प्लावित हो जाए और उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाए। ये शरीर का सौंदर्य जो है यही दैवी सौंदर्य है, और बाह्य के सौंदर्य की ओर दौड़ना और इस तरह की धारणाओं के ऊपर चलना, कभी तो कहते हैं मोटे हो जाओ, कभी कहते हैं दुबले हो जाओ। मोटे और दुबले होना या और तरह से अपने शरीर को चमकाना, इसकी कोई भी सहयोग में खास जरूरत होती नहीं। के लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि 10 बार नहाने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, कोई लोग ये सोचते हैं कि बदन पे हर तरह के लेपन लगाने से शरीर अच्छा होता है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। स्वयं आपके अंदर ये सब चीजें कार्यान्वित है। ध्यान ये देना चाहिए क्या हमारे शरीर की यष्टि ऐसी है कि इसके अंग प्रत्यंग से पवित्रता बहती है, हमारी ओर देखकर लोगों को क्या पवित्रता की भावना आती है कि अपवित्रता। इसीलिए बहुत बार मैं आपसे कहती हूँ कि जो परंपरागत हमारे अंदर कपड़े आदि का व्यवहार बताया गया है उसे आप इस्तेमाल करें। ये हजारों वर्ष की तपस्या से पाया हुआ एक बड़ा भारी धरोहर हमारे पास है, हेरिटेज है, और उसकी परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको संभालने का प्रयत्न। परंपरागत जो कलाएं हैं, परंपरागत जो आभूषण आदि हैं, उसके जो वस्त्र आदि हैं, ये हजारों वर्षों से हमारे देश में परख के पाए हुए हैं, उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने अभिभूत हैं पाश्चिमात्य देशों से कि हम अपनी जो कुछ भी संस्कृति है, संकृति जो पवित्र बनी हुई कृतियां हैं, उसको भूल करके बाहर की चीजों को अपना लेते, और इसी से हमारे अंदर जो चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे हम आत्मा कहते हैं उस पे आवरण पड़ जाते। अपने देश की हजारों वस्तुएं ऐसी हैं जो आत्मा को सजाती हैं, दबाती नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि बाह्य की ओर जल्दी जाती है। उसकी भी वजह है, मनुष्य होने के नाते दृष्टि बाहर जाती ही है। एक बार आपसे समझाया था मैंने कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब हम अपनी ओर दृष्टि ले जाना चाहते हैं तो मन ही मन उसकाते हैं और सोचते हैं कि कितना सुंदर है अंदर,
कितना पवित्र है अंदर, कितना आनंदमय है, इसको छोड़ करके हम और क्यों भटक रहे हैं? लेकिन क्योंकि वो प्रांगण हमने अभी तक पाया नहीं, उसको जाना नहीं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने को इतना प्यार नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों को प्यार करते हैं जो हमारी आत्मा को धूसर करते, हमें दिखाई न दे। बहुत सी बातें इस तरह की हमारे जीवन में हैं। अब जैसे पाश्चिमात्य लोगों की बातें हैं, अब तो हम रह चुके हैं वहाँ, हम देखते हैं कि इतना बिला वजह वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं, कि इन लोगों के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल, वो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके अंदर कोई जड़े ही नहीं, जो आए जो जिधर चाहे बहका दे, इधर बहका दे तो इधर बह गए, उधर बहका दे तो उधर बह गए, लेकिन आपकी जड़े हैं और आप ही लोग उनका उद्धार कर सकते हैं, वो लोग अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकते, उनकी मदद आपको करनी, कि अपनी जड़ों को पहचाने और ये जड़ का जो ज्ञान है, जो सहयोग में निहित है, सहयोग में छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो इस जड़ का ये आप लोग जानिए। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए। पहले संत लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ते नहीं थे, बहुतों को शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो, ऐसे भी संत साधु हो गए हो, लेकिन संतों के लक्षण सारे उनमें थे। सबसे बड़ा इति आलो सगुणाशी, मैं तो निर्गुण देखने आया था, निराकार देखने आया था, तुम तो सगुण खड़े हुए। ये तो सिर्फ सहयोगी समझ सकते हैं भाषा को, लेकिन क्या हम लोग ऐसा एक दूसरों से कहते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि जो निराकार है वो सगुण आप लोगों में बैठा हुआ है, वो साकार होकर के आपके अंदर जागरूक है? क्या ये भावना हमें एक दूसरे के प्रति है, ये श्रद्धा और ये आदर हम लोगों को एक दूसरों के प्रति है? जो एक दर्जी को कुम्हार के प्रति था, वो है, इसमें आप किसी भी पोजीशन के हो, बड़े हो छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु नानक के पास जब नामदेव गए तो उसका उनका बड़ा स्वागत हुआ और उनसे कहा गया कि आप अब कुछ पंजाबी में कविताएं लिखिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि नामदेव की किताब इतनी बड़ी है, उसमें से आधी जो है उसमें हिंदी और पंजाबी में कविताएं, और इतने सहूलियत से उन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखा है। मराठी भाषा और हिंदी भाषा का तो मेल है ही, लेकिन पंजाबी का इतना मेल नहीं बैठता। मैं भी पंजाबी भाषा जानती हूँ और आश्चर्य की बात है कि इतना सुगम और इतना सुंदर लिखा है सारा कुछ कि पढ़ते ही बनता है, पर उनका कितना आदर श्री नानक साहब ने किया कि ग्रंथ साहब में तक उनके सखूबाई जो कि बर्तन मारने वाली घर की औरत थी, उसका तक ग्रंथ साहब में उदाहरण है। इससे आप समझ सकते हैं कि संतों की जो मान्यता है वो संत ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे? अवलिया निजामुद्दीन हो गए, आप जानते हैं कि उस वक्त के सुल्तान ने कहा कि कल तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटा दूंगा मैं कल, और दूसरे दिन उनकी गर्दन कट गई। संतों को पहचानने वाले संत ही होते हैं। तो पहले अपना संतपना जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप संत को पहचानिएगा कैसे? अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, अगर आप निर्विचार ही नहीं हो रहे हैं, जब आपके अंदर सहयोग का कुछ कमल ही नहीं खिला हुआ, आपका हृदय ही जब बंद है, तो आप संतों का मान कैसे करेंगे और आपका भी मान कौन करेगा? सीधा हिसाब,